दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल सातवीं माना साथिया में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अभी के सामने आ जाएगा गहना की चालाकी। जी हां दोस्तों, देखने को मिलेगा कि गहना की याददाश्त वापस आ रही है, तो वहीं पर वो अनन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी हॉस्पिटल से। लेकिन दूसरी तरफ यहां देखने को मिलेगा कि जैसे ही अनन पुलिस लेकर पहुंचेगा गहना के कहने पर, तो वहाँ पर अब पूरी बाजी ही अभी पलटते नजर आएगा और चाकू की नोक पर उससे झूठ कहलवाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर गहना उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अनंत को पता चल जाता है कि अभी कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे कि गहना सच नहीं बोल पा रही है। जिसके बाद देखने को मिलेगा कि पुलिस तो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ भी गहना तो उससे झूठी गवाही दे देती है। जिसके बाद यहाँ पर अभी गहना को बड़ी बुरी तरह से मारते नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर अनंत पहुंच जाता है। जिसके बाद देखने को मिलेगा कि अनंत और अभय के बीच में बुरी तरह से फाइट होगी और वो गहना को बचाने की कोशिश करेगा। तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अभय गहना को बचाते नजर आएगा अनंत, लेकिन यहाँ पर उसको भी बहुत बुरी तरह से चोट आने वाली है, क्योंकि गहना बुरी तरह से बेहोश भी हो जाएगी अनंत को बचाते हुए। लेकिन यहाँ देखने को मिलेगा कि रोहन वापस कॉल कर देता है पुलिस को और लास्ट मोमेंट पर पुलिस पहुंच कर अभय को गिरफ्तार करेगी। जब वो अनंत और गहना को मार ही रहा होगा, तभी पुलिस पहुंचेगी और उन दोनों की जान बचाएगी। और देखने को मिलने वाला है कि फाइनली अब रोहन को और प्रिया को और उनके पूरे परिवार को अपनी अपनी फैमिली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गहना उठाती है कि वो उनकी फैमिली तक जरूर पहुंचाएगी। तो देखने को मिलने वाला है बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहाँ पर न्यूज़पेपर में भी गहना और अनंत की खबर छपेगी और अभय के बारे में भी छपेगा, जिससे कि सबके होश उड़ जाने वाले हैं। और गहना फिर से घर लौट कर आएगी, साथ में प्रिया को और उनको अपने परिवार से मिलवाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कहानी में।